माहौल सृजित कर पाएंगे। लगातार मौसम में हो रहे परिवर्तन के साथ ही कड़ाके की ठंड ने भी दस्तक दे दी है। ऐसे में शासन के निर्देश के क्रम में जिला प्रशासन लगातार निराश्रित असहाय व गरीब लोगों तक शासन की सुविधाओं को मुहैया कराने में लगा हुआ है। इसी क्रम में जनपद में स्थापित विभिन्न रैन बसेरों में मुकम्मल व्यवस्था के साथ बाहर से आने वाले यात्रियों या खुले में रह रहे लोगों को बचाकर उन्हें इस कड़ाके की ठंड से बचाने का प्रयास जिला प्रशासन द्वारा लगातार किया जा रहा है। वहीं जरूरतमंदों में गर्म कपड़ों का वितरण भी संबंधित अधिकारी कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, सभी रैन बसेरों में अवस्थापनाओं को संतृप्त करते हुए व्यवस्थाएं करते हुए जितने भी लोगों को राहत पहुंचानी है उनके लिए कंबल वितरण, अलाव जलाना और रैन बसेरों में शिफ्ट कराना और वहां पर व्यवस्थित कराने की प्रक्रिया चल रही है। सभी मजिस्ट्रेट्स द्वारा लगातार भ्रमण किया जा रहा है। नगर निगम और सभी टीम, विशेष टीमें तैनात की गई हैं और कोशिश ये है कि इस परिस्थिति में लोगों को राहत पहुँचे। सर, कुछ ई रिक्शा भी चल रहे हैं जो सेंटर होम तक पहुंचाए जा रहे हैं लोग? हाँ जी, लगातार भ्रमण किया जा रहा है, रातों को भी भ्रमण किया जा रहा है और जो पात्र लोग हैं उनको ई रिक्शा और अन्य साधनों के माध्यम से रैन बसेरों तक भेजा जा रहा है और वहां पे सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनकी सुरक्षा और वहां